के एक नगर में शांति प्रसाद नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास केवल नगर ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के लोग भी कर्ज लेने के लिए आते थे, और वायदे के मुताबिक जब उनके पास पैसे आता वो लोग मूल और ब्याज के समेत अपना कर्ज चुका देते थे। ठीक था कि साहूकार ब्याज पर पैसे देता था, लेकिन वो था अपने असूलों का पक्का और ईमानदार। वो वक्त से पहले ना तो किसी के पास तकाजा करने के लिए जाता था और ना ही कभी किसी के साथ बदतमीजी से पेश आता था। इसके साथ साथ उसमें दो गुण और भी थे। वो दयालु और ईश्वर को मानने वाला था। अपने इन्हीं गुणों के वजह से वो दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक बार की बात है, इसी नगर से तो ठग जिनका नाम सुट्टन और महेश था वो गुजर रहे थे, और सेठ की प्रसिद्ध की खबर उन दोनों के कानों में भी पड़ी। अरे भाई छुट्टन, मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्यों ना सेठ के पास जाकर कुछ पैसा उधार ले लिया जाए और फिर उसे कभी वापस लौटाया ही ना जाए। गुरु, बात तो तुम सही कहते हो, तो चलो देर किस बात की, हम ऐसा ही करते हैं। ये सोचकर दोनों सेठ के हवेली पर पहुंचे और सेठ से कहने लगे, सेठ जी, हम दोनों बहुत ही दूर गांव से आए हैं। पिछले साल अकाल पड़ने के कारण हमारे खेतों में अन्न का एक दाना भी नहीं है। इस बार अच्छी फसल होने की आशा है, इसीलिए आपके पास कुछ पैसे उधार लेने के लिए आए हैं। अरे भाई, मैंने कर्ज मांगने का कारण और पता नहीं पूछा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितना धन चाहिए और कब तक लौटाओगे। सेठ जी, हमें 2000 रुपये चाहिए और ये कर्ज हम बहुत ही जल्दी लौटा देंगे। फिर भी भाई, उस जल्दी की कोई मियाद है या नहीं? मियाद जाने बिना मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। सेठ की मियाद वाली बात सुनकर सुट्टन मकार भरे स्वर में बोला, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज ही होता है, यदि इस जन्म में नहीं देंगे तो अगले जन्म में दे देंगे। ठीक है, तब अगले जन्म में दे देना, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। मुंशी जी, इनके नाम का खाता खोलकर इन्हें 2000 रुपये दे दो और ये लिख लो कि ब्याज समेत ये रकम अगले जन्म में लौटा देंगे। लेकिन सेठ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं मुंशी जी, ब्यार्थ में अपनी टांग बीच में ना आराओ, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। ठीक है सेठ जी। सुट्टन और महेश ने सेठ के मुंशी के पास जाकर रुपये ले लिया। लिखा पढ़ी करके खाते पर हस्ताक्षर कर दिया गया। दोनों ठग रुपये पाकर बड़े ही प्रसन्न थे। उन्होंने बिना गिने ही रुपये जेब में डाला और सेठ को धन्यवाद देकर वहां से चलते बने। वो दोनों बड़े ही प्रसन्न थे कि उन्होंने सेठ को मूर्ख बना दिया। उनके वहां से जाते ही सेठ का मुंशी सेठ के पास आया और कहने लगा, हजूर, आप जानते हैं कि वे रुपया वापस लौटाने का इरादा नहीं रखते, और इस कागज के अनुसार तो हम कानूनन भी उनसे रुपया नहीं वसूल सकते, तो फिर आपने रुपया उनको उधार क्यों दे दिया? मुंशी जी, मैंने ये सब जानते बूझते हुए किया है। ये बात तुम्हें अभी नहीं बल्कि वक्त आने पर समझाऊंगा। फिर भी मेरी इस बात को गांठ बांधकर रख लो कि कर्ज कर्म के समान होता है। इस जन्म में कर्ज या कर्म अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहता है और उसी के अनुसार जीवन भोगना पड़ता है। परंतु मुंशी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपने राह पर चले जा रहे थे। महेश भाई, वास्तव में यह सेठ तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा मूर्ख निकला। मैं तो सोच रहा था कि वह अगले जन्म की बात सुनकर हमें दुत्कर कर भगा देगा, लेकिन उस मूर्ख ने तो हमें इतनी बड़ी रकम कर्ज में दे दी। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि अगले जन्म में यह उधर कौन चुकाएगा भला। चलो कोई बात नहीं, इसमें तो हमारा फायदा ही फायदा है। अब कुछ दिन के लिए किसी दूसरे गाँव में जाकर आराम और चैन से कुछ दिन गुजरते हैं। ये सोचकर दोनों ठग वहां से आगे चल पड़े। अगले दिन शाम के समय दोनों ठग एक नए गांव में पहुंचे और रात बिताने के लिए कोई आश्रय ढूंढने लगे।
जल्दी ही उन्हें एक ठिकाना मिल ही गया। ये एक किसान का घर था। दोनों ने दरवाजा खटखटाया तो किसान बाहर आया। भाई, हम परदेसी हैं और रात काटने के लिए आश्रय चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। ये कहकर किसान ने अपने घर के दालन में दोनों के लिए चारपाई बिछा दी और कहने लगा, यदि आपको खाना चाहिए तो मैं आपको खाना दे सकता हूँ। नहीं भाई, फिलहाल तो हमें भूख नहीं है। आपने हमें रुकने के लिए आश्रय दिया, इतना ही हमारे लिए काफी है। दोनों ठग चारपाई पर लंबी टांग करके सो गए। अचानक आधी रात के समय सुट्टन को कुछ आवाजें सुनाई दी, जिससे वो चौंक कर उठ बैठा। जब सुट्टन को कुछ डर महसूस हुआ तो उसने अपने साथी महेश को उठाया और कहने लगा, गुरु, आसपास कोई ना कोई है, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, परंतु पता नहीं ये कौन बोल रहा है। दोनों फिर ध्यान से उन आवाजों को सुनने लगे। दोनों बोलने वाले के तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या, दूर दूर तक उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ, कुछ दूरी पर बेल जरूर खड़े थे। जब दोनों ने ध्यान से उन बेलों की तरफ देखा तो पूरी तरह से चौंक पड़े। असल में ये आवाजें उन दोनों बेल की थी, जो मनुष्य के भांति एक दूसरे से बात कर रहे थे। गुरु, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, बेल और मनुष्य की बोली में बोल रहे हैं। मैं भी हैरान हूँ भाई, लेकिन ये तो सच है कि दोनों बेल आपस में बात कर रहे हैं। कुछ सोचकर सुट्टन और महेश दोनों की बातें ध्यान से सुनने लगे। मित्र, हमारे तुम्हारे साथ की ये अंतिम रात्रि है, ये बात तो मैं भी तुमसे कहने जा रहा था। अच्छा, पहले तुम बताओ कि ऐसा क्यों है। वो इसीलिए दोस्त कि अपना जो मालिक है उससे पिछले जन्म में मैंने 200 रुपया उधार लिए थे, लेकिन उस जन्म में मैं चुका नहीं पाया। सो इस जन्म में महीनों तक उसके हाल और गाड़ी में जूत कर वो कर्ज चुकाया है। कल मेरा श्रम पूरा 200 रुपया का हो जाएगा और मैं सवेरे में ही मर जाऊंगा। ओ, तो ये बात है। अच्छा मित्र, अब तुम बताओ कि तुमने बिछड़ने की बात क्यों की। तुम खुशकिस्मत हो मित्र कि तुम्हें कम कर्ज लेने के कारण शीघ्र ही छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मेरे भाग्य में अभी महीनों और दुख झेलना लिखा है। कल एक आदमी आएगा जो इस किसान से मुझे छीन कर ले जाएगा, और फिर अगले कई महीनों तक मुझे उस आदमी की यतनाएं सहनी पड़ेगी। लेकिन वो दूसरा आदमी तुम्हें इस बुरे किसान के पास से क्यों ले जाएगा, उसे भला वो किसान अपना बैल क्यों देगा। भाई, यही मेरा भाग्य है, तभी तो ये बुरा किसान उस व्यक्ति से कर्ज लेकर अभी तक चुका नहीं पाया। कल वो व्यक्ति आकर अपनी रकम मांगेगा और किसान के ना देने पर वह मुझे डांडे मारते हुए अपने साथ ले जाएगा। ओह, तब तो सचमुच ये काफी दुख झेलने वाली बात है। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है मित्र। ये मेरे पिछले जन्म का कर्म है मित्र, इसीलिए इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा, वरना ईश्वर हमें इस जन्म में बेल ही क्यों बनाता। ठीक कहते हो मित्र, खैर छोड़ो इन बातों को। मुझे और तुम्हें तो अपनी अपनी कर्मों का सजा मिल गई है या मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो दुख उन दोनों आदमियों के लिए हो रहा है जो कुछ समय पहले इस किसान के मेहमान बनकर आए हैं। क्या मतलब है, उन लोगों ने ऐसा क्या किया। बेलों की बात सुनकर दोनों ठगों के कान खड़े हो गए और वो ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने क्या किया? अरे भाई, ये पूछो कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे दोनों ठग अब तक ना जाने कितने व्यक्तियों को ठग चुके हैं, और इस समय भी एक नगर के सेठ को ठग कर कर्जा लेकर यहाँ पर आए हैं। तब तो उन्हें कर्जा चुकाने के लिए अगले जन्म में सेठ का गधा बनना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर सुट्टन और महेश का होश उड़ गया। गुरु, सुना तुमने,
इन दोनों को पिछले जन्म का कर्ज चुकाने के लिए बैल बनना पड़ा। हाँ, और हमें इस जन्म का कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में गाधा बनना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई, अब मैं सेठ का कर्जा अपने सर पर नहीं रखूंगा। मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा और बाकी का सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा में गुजार दूंगा, ताकि मेरे सारे पाप इस जन्म में धुल जाए। तो ठीक है गुरु, हम सुबह होते ही चांदपुर जाएंगे और सेठ जी को उनका रुपया लौटा देंगे। साथ ही साथ ठगी का यह धंधा भी छोड़ देंगे और मेहनत और ईमानदारी की रोटी कमा कर खाएंगे। इसके बाद वो दोनों ठग सो गए, परंतु सोने के बाद भी उन्हें चैन नहीं था। उन्हें सपने में भी वो दोनों बैल ही दिखाई दे रहे थे। जब सुबह वो दोनों जगे तो ये देखकर हैरान थे कि किसान का एक बैल सचमुच ही मर चुका था और किसान रो रो कर दुखी हो रहा था। गुरु, उन दोनों बैलों की बातें बिल्कुल सच निकली, उनमें से तो एक ने दम ही तोड़ दिया। हाँ, वे अपने मालिक के पिछले जन्म के कर्ज से मुक्ति पा चुका है। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि तभी वहां पर एक आदमी आया और वो किसान से कहने लगा, अरे भाई, तुमने मेरा कर्ज अभी तक नहीं उतारा, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बैल को ले जा रहा हूँ। भाई, मैं जल्दी आपका कर्जा उतार दूंगा, मेरे बैल को छोड़ दो। देखो तो सही, मेरा एक बैल पहले से ही मर चुका है, मुझ पर दया करो। उस आदमी ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और वो किसान के दूसरे बैल को डंडे मारते हुए अपने साथ ले गया। ये सारी घटना दोनों ठग अपनी आंखों से देख रहे थे। दोनों ठगों ने उसी समय अपना सारा सामान समेटा और चांदपुर के लिए रवाना हो गए। एक दिन के लंबे सफर के बाद दोनों ठग सेठ शांति प्रसाद के हवेली पर जा पहुंचे। सेठ जी, हमें बचा लीजिए, हमें पाप के गड्ढे में गिरने से बचा लीजिए। अरे भाई, कौन हो तुम दोनों? हमें इतनी जल्दी भूल गए सेठ जी? हम दोनों महेश और छुट्टन है, कल ही तो आपसे 2000 रुपए लेकर गए थे। सेठ जी, ये दोनों तो वही है जो कल आए थे, मैं अभी खाता निकल कर इनका हिसाब बताता हूँ। हाँ सेठ जी, मैं अभी इनका खाता देखकर आपको बताता हूँ कि इनके नाम पर कितने रुपए है। हुजूर, हम अपना कर्ज आपको सूद समेत लौटाना चाहते हैं। ये लीजिए आपके 2011 रुपए और हमारा नाम काट दीजिए। नहीं भाई, मैं कर्ज की अदाई इस तरह से नहीं लेता, मैं अपनी वसूलों का पक्का आदमी हूँ। रकम लौटाने का जब तुमने वायदा किया था, मैं उसी समय पर कर्ज वापस लूँगा। तुमने अगले जन्म में कर्जा लौटाने की बात कही थी, अब मैं अगले जन्म में ही लूँगा। सेठ जी, ये अब क्या कह रहे हैं? भला कोई अगले जन्म में भी कर्ज चुका सकता है? हाँ सेठ जी, जब हम इसी समय आपका कर्ज लौटा रहे हैं, तो फिर आप क्यों अगले जन्म की बात करते हैं? कह तो दिया भाई, मैं अपने वसूलों का पक्का हूँ। जब तुम लोगों ने वादा किया है कि रकम अगले जन्म में लौटाओगे, तो मैं अगले जन्म में ही लूँगा। बस बात खत्म। सुट्टन और महेश ने सेठ के सामने खूब रोया धोया और गिरगिराया, लेकिन सेठ ने उनकी एक ना सुनी और बिना रकम लिए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दोनों दोस्त दुखी मन से वहां से चल पड़े। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस कर्ज से मुक्ति कैसे पाएंगे। भटकते भटकते वो लोग एक जंगल में पहुंचे। वहां पर उन्हें एक महात्मा मिले। जब महात्मा ने उन दोनों से उनकी परेशानी का कारण पूछा, तो दोनों ने सच सच बात उनको बता दी। तब महात्मा जी ने उन्हें प्रायश्चित करने का एक तरीका बताया और साथ ही साथ ज्ञान की बातें भी बताने लगे। बेटा, इस जगह से 1 मील आगे एक गांव है, वहां पहुंचने पर तुम्हें अपने आप सेठ जी का कर्जा उतरने का कोई ना कोई उपाय दिखाई दे ही जाएगा। महात्मा जी का बात मानकर दोनों आगे बढ़ने लगे।
एक मील का सफर तय करने के बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंच गए। उस गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं था, ना कोई कुआ ना कोई तालाब, इसीलिए गांव में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई थी। पानी की जरूरत के लिए लोगों को 5-5 कोस दूर जाना पड़ता था। वहां की दशा देखकर सुट्टन के दिमाग में साधु की बात आई। वो सोचने लगा, यदि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत पैदा किया जाए तो हमारा कर्ज उतर सकता है। अरे गुरु, सेठ का कर्ज उतारने के लिए मेरे दिमाग में एक उपाय आ गया। क्या सच? तो जल्दी बताओ गुरु। सुट्टन महेश के कान में धीरे धीरे से कुछ समझाने लगा, जिसे सुनकर महेश का चेहरा भी खिल उठा। दोनों इस समय कहीं से कुदाल लेकर आए और एक स्थान पर खुदाई करने में जुट गए। वो 3 रात जमीन खोदते रहे और ठीक 1 महीने के बाद एक गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए। उसमें से पानी भी निकल आया। उसके बाद उन्होंने मिस्त्री को बुलाकर उसे पक्का बनवा दिया और कुएं पर 2000 रुपये भी खर्च हो चुके थे। कुआं तैयार हो जाने पर सुट्टन ने महेश से कहा, चलो गुरु, अब डंडे संभाल कर खड़े हो जाओ। गांव वालों को जैसे ही कुएं के बारे में पता चलेगा, वे पानी के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। चिंता मत करो गुरु, पानी लेने के लिए यदि स्वयं भगवान भी आ जाए तो मैं कुएं से पानी नहीं लेने दूंगा। और फिर वो दोनों मोटे मोटे डंडे संभाल कर कुआं की चौकीदारी करने लगे। जब गांव वाले को उस कुएं के बारे में पता चला तो वो बर्तन लेकर तुरंत वहां पर पहुंचे। गांव वालों को देखकर सुट्टन ने कहा, ठहरो तुम सब, इस कुएं से दूर रहो, हम किसी को इस कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। अरे भाई, ऐसा अन्याय क्यों करते हो? तुम लोग जानते ही हो कि गांव में पानी की कितनी किल्लत है। तुमने वास्तव में इस कुएं को बनाकर गांव वालों पर बड़ा ही उपकार किया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कुआं हमारा नहीं है, बल्कि चांदपुर के सेठ शांति प्रसाद जी का है। हम बगैर उनके इजाजत के किसी को कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। हाँ, यदि कुएं से पानी चाहिए तो पहले सेठ जी की इजाजत लेनी पड़ेगी। पूरे गांव वाले सेठ शांति प्रसाद के पास पहुंच गए और सेठ जी से विनती करने लगे, दुहाई हो सेठ जी, हम पर रहम कीजिए। क्या हुआ भाइयों, आप लोग मुझसे ऐसी दुहाई क्यों मांग रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने आप लोगों का? तब गांव वालों ने सारी बातें उन्हें कह सुनाई। सेठ जी, अब आप ही हमें अपने कुएं से पानी लेने की आज्ञा दे दीजिए, ताकि हमारे सारे दुख दूर हो सके। आप लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है भाइयों, मैंने आप लोगों के गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया। जरूर वे दोनों व्यक्ति आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए सेठ जी, हम लोग बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं। लेकिन भाई, जब मैंने वहां पर कुआं बनवाया ही नहीं तो मैं कैसे आप लोगों को पानी भरने की इजाजत दे दूं? क्या वह मेरे कहने से तुम लोगों को पानी भरने देंगे? जरूर भरने देंगे सेठ जी, हमें विश्वास है। बस आप हमारे साथ चलकर उन दोनों व्यक्तियों को कह दीजिए। ठीक है, चलो भाइयों, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, फिर सारी सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाएगी। सेठ अपने मुंशी के साथ जब गांव वालों के साथ गांव में पहुंचा तो दूर से उन्होंने सुट्टन और महेश को कुएं के पास डंडे हाथ में लिए हुए खड़ा दिखा। सेठ जी, ये दोनों तो वही ठग मालूम पड़ते हैं जिन्होंने आपसे 2000 रुपया कर्ज में लिए थे और अगले जन्म में कर्ज वापस करने की बात कही थी। हाँ, पहचान रहा हूँ, लेकिन इन कम वक्तों ने यहाँ पर क्या चक्कर फैलाया हुआ है? क्यों भाई, तुमने यहाँ पर क्या चक्कर फैलाया है? इस कुएं को तुम गांव वालों को मेरा कुआं क्यों बता रहे हो? हमने कोई चक्कर नहीं चलाया सेठ जी, ये कुआं आपका ही है, इसीलिए हमने गांव वालों को बिना आपकी आज्ञा के पानी भरने से मना कर दिया था।
यदि आप आज्ञा देंगे तो हम इन्हें पानी भरने देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। भला ये क्या बकवास है, जब मैंने कुआं बनवाया ही नहीं तो उसमें मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है। ये ठीक है सेठ जी कि आपने कुआं नहीं बनवाया, लेकिन इसमें रुपये तो आपके ही लगे हैं ना। मेरे रुपये? वो कैसे भाई? सुनिए मैं बताता हूँ, हमने जो 30-32 दिन पहले आपसे 2000 का कर्ज लिया था उसी से ये कुआं बनवाया है। यदि आप ये कह दे कि कुआं मेरा है तो हमारा कर्ज चुकता हो जाएगा और इनकी पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी। नहीं, मैं इस कुएं को किसी भी हालत में अपना नहीं कह सकता। मैंने तुम्हें जो कर्ज दिया था वो वायदे के मुताबिक मैं तुमसे अगले जन्म में ही लूँगा। तब हम किसी को भी इस कुएं से पानी लेने नहीं देंगे, चाहे ये हमारे सामने तरप तरप कर मर क्यों ना जाए। हाँ सेठ जी, अच्छी तरह से सोच लीजिए, यदि ये बिना पानी के मर गए तो इसका पाप आपके ही सर पर होगा, और यदि आप इसे अपना कुआं कहकर इन्हें पानी लेने देंगे तो इनका पुण्य और दुआएं भी आपको ही मिलेगी। उन दोनों की बात सुनकर गांव वाले भी सेठ जी के आगे गिरगिराने लगे। हाँ सेठ जी कह दीजिए। सेठ शांति प्रसाद उलझन में पड़ गया। कुछ देर तक सोचने के बाद वो बोले, ठीक है भाई, तुम दोनों चालाक इंसान जीते और मैं हरा। आज से इस कुएं को मैं अपना मानता हूँ और तुम्हें अपने कर से मुक्त करता हूँ। गांव वाले बड़े खुशी से जय जयकार करते हुए अपने घरों से बर्तन लाने के लिए चल पड़े। भाई ये सब तो ठीक है, जिस चालाकी से तुमने मेरे वसूलों को तोड़कर मेरा कर्ज लौटाया उसके लिए मैं तुम दोनों के दिमाग की दाद देता हूँ। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुम दोनों ने अचानक मेरा कर्जा लौटाने के लिए इतने उतावले क्यों हो गए, जबकि तुम लोग पहले कर्ज के बहाने मुझे ठगने आए थे। ये ठीक बात है सेठ जी कि हम आपको मूर्ख सेठ समझकर आपको लूटना चाहते थे, लेकिन बाद में हमारी आंखें खुल गई। तब सुट्टन ने सारी बात सेठ को बता दी। कुछ ही देर में सारे गांव वाले वहां कुएं पर आए और पानी भरने लगे। अब पूरा गांव के साथ साथ सेठ शांति प्रसाद भी खुश थे। इस घटना के बाद सुट्टन और महेश ने ठगी का धंधा छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी का काम करके अपना जीवन यापन करने लगे।